हमारी बच्ची कहाँ सत्तू? मैं आप दोनों को सब बताता हूँ। तीन बत्ती के पास भिखारियों के गैंग रहती है, वहीं पे आपकी बेटी कब्जे में उन लोगों के। अभी थोड़ी देर में वहाँ पे बच्चे वाले गैंग आएंगे, वो उनको खरीद लेंगे। तो बहुत खतरनाक है, पुलिस भी वहाँ जाने से डरती है। ऐसे खतरनाक इलाके में सीधे जाके हम उसे नहीं निकाल पाएंगे। सोचना होगा। सोच लिया। यहाँ तो इतनी भीड़ है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? एक बार फिर से फोन करते हैं। तुम सी नंबर तक फोन आ गया। आप लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सर हम सत्तू की लोकेशन ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचे। सर वो भाग रहा है, प्लीज कैच हिम। इसका मतलब मेरे मना करने के बावजूद मिस्टर एंड मिसेस राणा ने आपको सत्तू का नंबर दे ही दिया और वो भाग गया। हमने पूरा प्लान बनाया था उसे पकड़ने का, जो आप लोगों ने खराब कर दिया है। सर हम बस अपने बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज उसे पकड़ लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। देखिए अगर आप लोग चाहते कि आपकी बच्ची सही सलामत मिल जाए तो प्लीज पुलिस का काम मत कीजिए। यादव ले जाओ इन्हें। ऐसे हम भी आपके साथ चलते हैं, प्लीज प्लीज। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसे बहस कीजिए हमारे साथ, वहाँ वो सत्तू दिल्ली का बॉर्डर पार कर देगा। प्लीज जाइए आप लोग। सर प्लीज सर। इस बच्ची को सारे शहर की पुलिस ढूंढ रही है, कुछ दिन इसे अंडरग्राउंड रखो, मामला ठंडा होने पर मैं इसे ले जाऊंगा। इतनी सुंदर बच्ची देख के तो कोनो भी ज्यादा पैसा दे दी। पर पुलिस की नजर पड़ गई इस बच्ची पे तो भी वो एक ना पहचान पाई। चल सोने की मुर्गी, अंडा देने के लिए तैयार हो जा। चल बेटा काम पे लगते हैं। हम सत्तू सिंह तक पहुंच गए थे पर फिर वो भाग गया।